जोमैटो की आड़ में गांजा सप्लाई करने वाले डिलीवरी बॉय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। एक केस बनाया है NEPS का, उसमें नीतीश बन के एक लड़का है, जोमैटो डिलीवरी बॉय है, ये जनवरी से काम कर रहा है जोमैटो में, 20 इयर्स का लड़का है ये। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक और आदमी होता है, उनका नाम राहुल है, वो इसको गाइड करता है कहाँ से माल लेना है और किसको डिलीवर करना है और कौन सी वेन्यू पे, कौन सी कोर्ट के बेसिस पे और किस टाइम पे, नॉट ये पूरा गाइडलाइन फॉलो करके वो डिलीवरी करता है। और रिटर्न में इसको, ये भी कंज्यूमर है पहले, तो इसको यू नो गांजा मिलती है, कभी कभी पेमेंट मिलती है, बट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। एंड द प्राइम बेनिफिशियरी इन दिस केस टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैरिड ऑन इज राहुल एज ऑफ नाउ। राहुल ये आदमी before we caught him, he got surrendered, he went and surrendered in Bongir police station. Once we nab him, हमें पता चलेगा कि और कितने लोग ऐसे ड्रग पेडलर्स बन गए, कंज्यूमर्स से लेके पेडलर्स बनने में थोड़ा सा वक्त लगती है, कितने लोग बन गए हैं अभी तक। हमारे पास एक पेडलर का नाम है और वो कंट्रोलर राहुल का नाम है, एंड ऑल्सो कंज्यूमर्स जो इनसे माल लिए हैं 30 लोग हैं, 30 लोगों का आइडेंटिटी हमारे पास है। कुछ नई टीम तैयार करेंगे लोगों पकड़ने के लिए? यस, हम देखते हैं, हम जितना तक कर सकते हैं उतना तक करेंगे। अगर नेटवर्क हमारा कैपेसिटी से बढ़ रहा है तो हम एचईओ को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कब से कर रहे हैं मैडम ये? तो जोमैटो में काम कर रहा है जनवरी से, हमारे ख्याल से उसी टाइम से कर रहा होगा, उसी टाइम मतलब पहले कंज्यूमर है, स्लोली उसने शुरू నీళ్ళు just giving you a feel of how they do this. కన్సూమర్లు అది మేము సరి చూసుకొని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు ఉన్నారా గర్ల్స్? అసలు లేదు కానీ ఇంకా రావచ్చు అండి, అది మనకి లభ్యమైనటువంటి వివిధ కన్స్యూమింగ్ మెథడ్స్ అనమాట. సో యూ కెన్ సీ దట్ చెప్పండి.